गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हैदर अली आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज के क्लास में हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक कैलेंडर के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो कैलेंडर से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं, ऐसे डाउट्स जो आप किताब पढ़ने से आपके क्लियर नहीं हो पाते, तो आज सबसे पहले आज की क्लास में हम जितने भी डाउट्स कैलेंडर को लेकर के आपके माइंड में बने हुए हैं, पहले हम उन सभी डाउट्स को दूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप पूरे वीडियो को कंप्लीटली देखिए ताकि आपको रीजनिंग के इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट है वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और कैसे क्वेश्चन के साथ में डील करना है, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमें कैसे करना है, अपने टाइम को कैसे सेव करके कम समय में क्वेश्चन का आंसर करना है, ये सारी चीज इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कैलेंडर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो कैलेंडर के बारे में सबसे पहला पॉइंट, तो जैसे आप जानते हैं कि घड़ी के अंदर समय को मापने की जो सबसे छोटी इकाई होती है, घड़ी में समय को मापने की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम सेकंड कहते हैं। तो इसी तरीके से कैलेंडर में समय को मापने की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम दिन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कैलेंडर में समय को मापने की जो सबसे छोटी इकाई होगी उसे हम दिन कहते हैं। तो दिन किसे कहेंगे? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लेती है उसी टाइम को हम दिन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि वर्ष के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आपको ये पता होगा कि पृथ्वी सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में, पृथ्वी सूरज का एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लेती है उस टाइम को हम वर्ष कहते हैं। तो जब इस बात को आप सुनते हैं तो आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क जरूर आता होगा दोस्तों कि भाई पृथ्वी सूरज का एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लेती है वो टाइम हमेशा फिक्स होता है? आज के 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले या फिर 1,000 साल पहले पृथ्वी सूरज का एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लेती थी वो उस टाइम में जितना टाइम लेती थी आज भी उतना ही टाइम लेती है। मतलब ऐसा है कि पृथ्वी पहले जितना टाइम सूरज का पूरा राउंड कंप्लीट करने में ले रही थी आज भी उतना ही टाइम ले रही है। तो फिर ये वर्ष दो प्रकार के क्यों होते हैं? आपने देखा होगा कि कई बार तो हम साधारण वर्ष की बात करते हैं, कई बार हम लीप वर्ष की बात करते हैं। तो जब पृथ्वी सूरज का एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लेती है वो फिक्स होता है तो ये दो तरह के वर्ष क्यों होते हैं? तो पहले हम उसकी बात करने वाले हैं दोस्तों। आपका सबसे बड़ा डाउट ये होगा, तो आज की क्लास में हम आपके इस डाउट्स को दूर करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी सूरज का एक राउंड कंप्लीट करने में, पृथ्वी सूरज का एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लेती है उसे ना तो हम कोई साधारण वर्ष कहते हैं ना ही हम उसे लीप वर्ष कहते हैं। तो पृथ्वी सूरज का एक राउंड कंप्लीट करने में जो बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल फिक्स टाइम लेती है वो कौन सा वर्ष होता है दोस्तों? उसे हम कहते हैं सौर वर्ष, उसे हम सौर वर्ष के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ दोस्तों। तो मैंने आपको ये बताया कि पृथ्वी सूरज का एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लेती है ना तो हम कोई इसे साधारण वर्ष कहते हैं और ना ही हम उसे लीप वर्ष कहते हैं। उसे कौन से वर्ष के नाम से जाना जाता है दोस्तों? उसे सौर वर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सौर वर्ष के अंदर आपको यह पता होना चाहिए कि पृथ्वी सूरज का एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लेती है वो टाइम एग्जैक्टली वो टाइम कितना होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, पृथ्वी सूरज का एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में 365 दिन लेती है। ठीक है, 365 दिन के अलावा 365 दिन के बाद में 5 घंटे, ठीक है, 48 मिनट और 47 सही 1/2 सेकंड लेती है। ठीक है, लगभग 47 सही 1/2 सेकंड लेती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वी सूरज का एक राउंड कंप्लीट करने में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 47 सही लगभग 47 सही 1/2 सेकंड का टाइम लेती है। जब हम इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड को दोस्तों, जब हम इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड को दिनों में कन्वर्ट करते हैं तो दोस्तों ये लगभग दिन बनते हैं 365.2422 दिन बनते हैं दोस्तों।
कितने बनते हैं, 365.2422 दिन बनते हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि हम अपने कैलेंडर के अंदर 365.2422 को शो नहीं कर सकते हैं। भाई आप अपने कैलेंडर के अंदर 365 दिन शो कर सकते हो, 366 दिन शो कर सकते हो, मतलब पूरा दिन अगर कंप्लीट हो गया तो आप उसको अपने कैलेंडर में शो कर सकते हो। तो प्रॉब्लम ये हुई कि पृथ्वी सूरज का एक राउंड कंप्लीट करने में 365.2422 दिन ले रही है। तो 365 तक तो बात समझ में आ रही थी, लेकिन इस 0.2422 को हम कैलेंडर में किस प्रकार से शो करें, ठीक है। अगर हम अपने कैलेंडर में 365.2422 दिखाने लग जाते हैं तो हमारा कैलेंडर काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, काफी सारे लोगों के समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए, कैलेंडर को समझने लायक बनाने के लिए, कैलेंडर को आसान बनाने के लिए, हमने अपने कैलेंडर में 365.2422 दिन शो नहीं किए दोस्तों। हमने कैलेंडर को आसान बनाने के लिए हमने अपने कैलेंडर में कितने दिन शो किए, 365 दिन शो किए, ठीक है दोस्तों। हमने अपने कैलेंडर को आसान बनाने के लिए एक साल में 365 दिन शो किए, और ये जो 365 दिन जिस वर्ष में हमने शो किए दोस्तों, उसको हम मानते हैं ये कौन सा वर्ष है, इसको हमने साधारण वर्ष का नाम लिया, ठीक है। तो यहां पर हमने कितने दिन बताए, एक वर्ष में 365 दिन, और 365 दिन जिस वर्ष में हमने दिखाए वो वर्ष हमारे लिए कौन सा वर्ष हो गया, साधारण वर्ष हो गया। तो देखिए दोस्तों, कैलेंडर का काम होता है टाइम की कैलकुलेशन करना। अगर हमने कैलेंडर के थ्रू टाइम की कैलकुलेशन ही गलत कर दी तो इसका मतलब हमारा कैलेंडर बनाने का अर्थ ही नहीं निकला, कोई मतलब भी नहीं निकला। तो आप यहां से देख पा रहे हो दोस्तों कि जब हम अपने कैलेंडर को, ध्यान से देखिए दोस्तों, जब हम अपने कैलेंडर को सौर वर्ष के हिसाब से ना चलाकर, जब हम अपने कैलेंडर को सौर वर्ष के हिसाब से ना चलाकर साधारण वर्ष के हिसाब से चलाते हैं, तो हमारा कैलेंडर एक साल में 0.2422 दिन पीछे हो जाता है, ठीक है दोस्तों। हमें अपने कैलेंडर में कितने दिन शो करने चाहिए थे, 365.2422 दिन शो करने चाहिए थे, लेकिन हमने अपने कैलेंडर में शो कितना किया, 365 दिन। तो आपने देखा कि हमने अपने कैलेंडर को एक साल में हमने अपने कैलेंडर को 0.2422 दिन पीछे कर दिया दोस्तों, ठीक है। क्योंकि शो करना चाहिए था 365.2422 दिन, लेकिन हमने शो किया कितना, 365 दिन। 365 दिन शो किया तो हमने अपने कैलेंडर को एक साल में 0.2422 दिन पीछे कर दिया। तो जब आपको ये पता लगा कि एक साल में जो हमारा कैलेंडर होता है दोस्तों कितना पीछे हो जाता है, 0.2422 दिन हमारा कैलेंडर पीछे हो जाता है। लेकिन जब दूसरे साल भी जब हम अपने कैलेंडर में 365 दिन ही शो करते हैं, दूसरे साल में भी हम अपने कैलेंडर में 365 दिन ही शो करते हैं, तो हमारा कैलेंडर अगेन 0.2422 दिन पीछे हो जाएगा। मतलब एक साल में ये जो अंतर था, ये अंतर 0.2422 का था, और 2 साल के अंदर आप जानते हैं कि ये अंतर हो जाता है 0.4844, इतने दिन का फर्क पड़ जाता है, ठीक है। और अगर हम आगे नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही करते हैं, हमें अपने कैलेंडर में 365.2422 दिखाना चाहिए था, लेकिन हमने 365 दिन दिखाए, अगर हम अगेन ऐसा करते हैं तो हमारा कैलेंडर 0.2422 के अकॉर्डिंग एक साल में 0.2422 पीछे होगा, और 3 साल में यह हमारा अंतर बढ़ के हो जाता है दोस्तों 7266 हो जाता है, ठीक है। 3 साल के अंदर, एक साल में हमारा कैलेंडर 0.2422 पीछे हो गया, 2 साल में हमारा कैलेंडर 0.4844 पीछे हो गया, और 3 साल में हमारा कैलेंडर 0.7266 पीछे हो गया। अगर हम चौथे साल भी ऐसा ही करते हैं, चौथे साल भी अगर हम ऐसा ही करते हैं, मतलब 365 दिन ही हम शो करते हैं, तो हमारा कैलेंडर 4 साल में आप देख पा रहे हैं कि हमारा कैलेंडर 0.9688 दिन पीछे हो जाएगा। कितना पीछे हो जाएगा दोस्तों, 0.9688 दिन पीछे हो जाएगा। और आप ये जानते हैं कि 0.9688 का मतलब आप जानते हैं कि हमारा जो कैलेंडर है वो लगभग एक दिन पीछे हो जाएगा। 0.9688 का मतलब हमारा कैलेंडर एक दिन, लगभग एक दिन पीछे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि जब हम अपने कैलेंडर को सौर वर्ष के हिसाब से ना चलाकर साधारण वर्ष के हिसाब से चलाते हैं, तो हमारा कैलेंडर 4 साल में कितना पीछे हो जाता है, 0.9688 पीछे हो जाता है। तो आप जानते हैं कि 0.9688 का मतलब हमारा कैलेंडर लगभग एक दिन पीछे हो गया।
गया इस एक दिन की समस्या का समाधान करने के लिए, इस एक दिन की समस्या का समाधान करने के लिए हर 4 साल में हम एक दिन फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं, जिससे फरवरी 28 से 29 दिनों की बन जाती है और वर्ष 365 से 366 दिन का बन जाता है। ठीक है दोस्तों, और हमारा जो वर्ष है वो 365 से कितने दिनों का बन जाएगा, 366 दिन का बन जाएगा। और इस तरह से जो ये नया वर्ष बना, इस नए वर्ष को हमने क्या नाम दिया दोस्तों, इसको हम बोलते हैं लीप वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष या इसको हम अधिवर्ष भी बोल सकते हैं दोस्तों, इसे हम लीप वर्ष भी बोल सकते हैं या फिर अधिवर्ष भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि हर 4 साल में एक दिन फरवरी के महीने में क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि जब हम अपने कैलेंडर को सौर वर्ष के हिसाब से नहीं चला रहे, आप जब अपने कैलेंडर को साधारण वर्ष के हिसाब से चलाते हो तो कैलेंडर आसान हो जाता है, लेकिन उस कैलेंडर में टाइमिंग कैलकुलेशन थोड़ी सी बिगड़ जाती है। एक साल में हमारा कैलेंडर 0.24 पीछे हो गया और 4 साल में जो हमारा कैलेंडर है वो लगभग एक दिन पीछे हो जाता है। तो इस एक दिन की समस्या का समाधान करने के लिए हर 4 साल में हमने एक दिन फरवरी के महीने में जोड़ दिया, हर 4 साल में हमने एक दिन फरवरी के महीने में जोड़ दिया, जिससे फरवरी 28 से 29 दिनों की होगी और वर्ष 365 से 366 दिन का बन गया। और इस तरह से जो नया वर्ष फॉर्मेट हुआ उसको हमने क्या कहा, उसको हमने लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष कहा। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब आपने बुक्स में कई बार देखा होगा दोस्तों, आप ये जानते हैं कि जो लीप वर्ष है वो हर 4 साल पे रिपीट होता है, हर 4 साल पे लीप वर्ष रिपीट होता है। तो ये पता है कि 4 वर्ष में एक लीप वर्ष होगा, अगर 8 वर्ष है तो 8 में 4 का भाग दोगे तो 2 लीप वर्ष होंगे, 12 है तो 12 में 4 का भाग दोगे तो 3 लीप वर्ष होंगे, 16 है तो 16 में 4 का भाग दोगे तो 4 लीप वर्ष होंगे। लेकिन आपने बुक्स में देखा होगा कि अगर हम 100 सालों में 4 का भाग देते हैं, एक शताब्दी की बात कर रहे हैं, 100 सालों में अगर आप 4 का भाग देते हैं तो लीप वर्ष होने चाहिए 25, लेकिन आपको बुक्स में मिलेगा कि लीप वर्ष होते हैं 24। इसी तरीके से 400 में हम 4 का भाग देते हैं तो लीप वर्ष होने चाहिए 100, लेकिन आपने बुक्स में देखा होगा कि लीप वर्ष 100 की जगह 97 लीप वर्ष होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो पहले हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन करने के लिए जिन बातों की जरूरत है उनके ऊपर चलेंगे। फिलहाल ये जितने भी डाउट है सारे डाउट आपके दूर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आपने देखा कि जब हम अपने कैलेंडर को सौर वर्ष के हिसाब से ना चला करके साधारण वर्ष के हिसाब से चलाते हैं तो कैलेंडर आसान भी हो गया, और यहां से आपने जो 4 वर्ष का जो अंतर आया था उसको 4 साल में आपने दूर भी कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद में हम बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट पर। तो देखिए दोस्तों, आपने अभी ये देखा कि हमने हर 4 साल में हमने कितने दिन जोड़ दिए दोस्तों, हर 4 साल में हम एक दिन फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं। एक के आगे कितने भी 0 लगा लो दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉइंट लगा के। तो ये पता है कि हर 4 साल में हमने एक दिन फरवरी के महीने में जोड़ दिया। ठीक है, अब आपको ये पता है कि भाई जोड़ना चाहिए था, आप एक बात बताइए कि आपको जोड़ना कितना चाहिए था, तो बेसिक सी बातें दोस्तों समझने की कोशिश करना। आप यहां पर देख पाएंगे कि आपका जो कैलेंडर आप 100 वर्ष के हिसाब से ना चलाकर साधारण वर्ष के हिसाब से चला रहे थे तो आपका कैलेंडर 4 साल में कितना पीछे हुआ था दोस्तों, 0.9688 पीछे हुआ था। तो कैलेंडर जितना पीछे हुआ था आपको उतना ही जोड़ना चाहिए था, 0.9688 पीछे हुआ था तो आपको 0.9688 ही जोड़ना चाहिए था, लेकिन 0.9688 को हमने क्या मान लिया, लगभग एक दिन। तो हर 4 साल में हमने एक दिन फरवरी के महीने में जोड़ दिया, तो हमें जोड़ना तो चाहिए था 0.9688, लेकिन हमने जोड़ दिया एक दिन। तो आपको ये पता है कि आगे देखिए हमें जोड़ना चाहिए था कितना दोस्तों, हमने जोड़ दिया यहाँ पर कितने दिन जोड़ दिए, हमने एक दिन जोड़ दिया, जबकि हमें जोड़ना कितना चाहिए था दोस्तों, 0.9688 हमने जोड़ दिया। गौर से समझना दोस्तों सारी बातों को, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हर 4 साल में हमने एक दिन जोड़ दिया, जोड़ना चाहिए था 0.9688, इसका मतलब हर 4 साल में हमने ज्यादा जोड़ दिया,
हर 4 साल में हमारा कैलेंडर, हर 4 साल में हमारा कैलेंडर ज्यादा जुड़ गया, ज्यादा जुड़ गया तो हमारा कैलेंडर सामान्य कैलेंडर से तेज हो गया। कितना तेज हुआ बताओ दोस्तों? इनमें से माइनस करेंगे तो आपको ये पता है कि हमारा कैलेंडर कितना तेज हो गया, 0.0312 दिन हमारा कैलेंडर क्या हो गया दोस्तों, तेज हो गया। कॉमन सेंस की बातें आप खुद समझ पा रहे हैं इस चीज को कि हमें 4 साल में जोड़ना चाहिए था 1 दिन, जोड़ना तो चाहिए था, सॉरी जोड़ना चाहिए था 0.9688, लेकिन हमने जोड़ दिया 1 दिन, तो हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया। हमने कितना एक्स्ट्रा जोड़ दिया, 0.0312 दिन हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिए। तो 0.0312 दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जानते हैं कि जैसे ही कैलेंडर 8 साल, 12 साल, 20 साल, 40 साल, 100 साल, 400 साल, जब शताब्दियां गुजर जाएगी तो ये अंतर बढ़ जाएगा, और ये अंतर बढ़ करके पूरे के पूरे कैलेंडर को खराब कर देगा। टाइमिंग की कैलकुलेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगी। तो इसका भी सोल्यूशन किया गया। इसका क्या सोल्यूशन किया गया, देखिए दोस्तों, अभी आपने ये सीखा कि लीप वर्ष पता करने के लिए आप वर्ष में 4 का भाग देते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए 12 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आपका आंसर होगा कि 12 में हम 4 का भाग देंगे, तो 12 वर्षों में हमारे पास में कितने लीप वर्ष आने चाहिए दोस्तों? 12 वर्षों में हमारे पास में लीप वर्ष होने चाहिए थे 3 लीप वर्ष, ठीक है? यही मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बताइए दोस्तों 20 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आप 20 में 4 का भाग दोगे, तो आप देखेंगे कि 20 वर्षों में लीप वर्ष कितने होने चाहिए दोस्तों? 5 लीप वर्ष होना चाहिए। लेकिन इसी चीज को हम अगेन आगे करते हैं, आगे करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं यहाँ पर 100 सालों में जब आप 4 का भाग दोगे तो 100 सालों में लीप वर्ष कितने आने चाहिए? 25। लेकिन आपने बुक्स में देखा कि 25 लीप वर्ष तो हो बताते ही नहीं है। 25 लीप वर्ष की जगह कितने लीप वर्ष होते हैं दोस्तों? 24 लीप वर्ष होते हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि अगर मैं आपको 400 सालों में पूछूं कि 400 सालों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आप 4 का भाग देंगे। 400 सालों में 4 का भाग दोगे तो आप कहेंगे कि सर 400 सालों में 4 का भाग देने पर लीप वर्ष बनने चाहिए कितने? 100 लीप वर्ष होने चाहिए। लेकिन आपने बुक्स में देखा होगा कि 400 वर्षों में 100 लीप वर्ष नहीं होते, बल्कि 97 लीप वर्ष होते हैं, ठीक है? तो आखिर ऐसा क्यों होता है? हमें इन बातों के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आखिर ये सब हो रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। तो देखिए दोस्तों, रीजन क्या है मैं आपको सिखा देता हूं, बता देता हूं। आपने देखा कि हर 4 साल में हमने 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिया फरवरी के महीने में। फरवरी 28 से 29 हो गई, वर्ष 365 से 366 दिन का हो गया, ठीक है? लेकिन हमें जोड़ना कितना चाहिए था? आपने देखा होगा कि 4 साल में हमारा कैलेंडर 0.9688 पीछे हुआ था, तो जितना पीछे हुआ है हमें उतना ही तो जोड़ना चाहिए था, और पीछे कितना हुआ था? 0.9688। जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो पता लगा कि हर 4 साल में हमने कितना ज्यादा जोड़ दिया, हमने 0.0312 दिन ज्यादा जोड़ दिया। हर 4 साल का मतलब एक लीप वर्ष में हमने कितना ज्यादा जोड़ दिया दोस्तों? 0.0312 दिन ज्यादा जोड़ दिया। तो यहां पर आप समझ पा रहे हैं कि जब हम 400 में, ध्यान से देखिए दोस्तों, जब हम 400 वर्षों में 4 का भाग देंगे, 400 वर्षों में 4 का भाग देंगे, तो हमारे पास में लीप वर्ष बनने चाहिए कितने? 100 लीप वर्ष बनने चाहिए, ठीक है दोस्तों? 400 वर्षों में 4 का भाग देंगे तो हमारे पास में लीप वर्षों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 100 लीप वर्ष होने चाहिए। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि एक लीप वर्ष में, यहां देखिए दोस्तों, एक लीप वर्ष में जो हमारा कैलेंडर है, एक लीप वर्ष में या हर 4 साल, हर 4 साल में हमारा कैलेंडर 0.0312 दिन तेज हो गया। एक लीप वर्ष में हमारा कैलेंडर 0.0312 दिन तेज हो गया। तो 100 लीप वर्ष में आप कहेंगे कि सर 100 लीप वर्ष में जो हमारा कैलेंडर है, 100 लीप वर्ष में हमारा जो कैलेंडर होगा वो लगभग कितना दिन तेज हो गया दोस्तों? हमारा कैलेंडर लगभग 3 दिन तेज हो गया। हमारा कैलेंडर कितना तेज हो गया दोस्तों? लगभग 3 दिन तेज हो गया। तो इस 3 दिन की समस्या का समाधान करने के लिए, ये जो प्रॉब्लम हो रही है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हमने क्या किया? 400 वर्षों में 4 का भाग दिया, लीप वर्ष आने चाहिए थे 100, लेकिन हमारा कैलेंडर लगभग 3 दिन आगे हो गया, 3 दिन तेज हो गया, तो हमने 100 लीप वर्षों में से 3 लीप वर्ष कम कर दिए, इसलिए आपके पास में लीप वर्ष कितने बच गए दोस्तों? 97 लीप वर्ष आएंगे। ओके दोस्तों,
ठीक है, तो आपको ये पता लगा कि 100 वर्षों में 4 का भाग देते हैं तो 25 लीवर्स आने चाहिए, 400 वर्षों में 4 का भाग दोगे तो 100 लीवर्स आने चाहिए, लेकिन 100 लीवर्सों में हमारा कैलेंडर लगभग 3 दिन तेज हो जाता है, तो उन 3 दिनों को हम क्या करते हैं, 100 लीवर्सों में से 3 लीवर्स हटा देते हैं, मतलब उनको साधारण वर्ष बना देते हैं, तो 3 दिन कम हो जाएंगे। 3 दिन कम होने की वजह से 100 लीवर्स में से 3 लीवर्स हट गए हमारे कैलेंडर में, 400 वर्षों में 4 का भाग दोगे, 100 लीवर्स होने चाहिए, लेकिन 3 लीवर्स कम होते हैं, कितने लीवर्स होते हैं दोस्तों, 97 लीवर्स होते हैं। अब आपके माइंड में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आता है कि सर 400 सालों में आपने 4 का भाग दिया, इतनी बात भी समझ में आ गई, 100 लीवर्स होने चाहिए, आपने कैलकुलेट करके बता दिया कि 400 वर्षों में 4 का भाग दोगे, 100 लीवर्स आने चाहिए, 1 लीवर्स में हमारा कैलेंडर 0.0312 दिन तेज हो रहा है, तो 100 लीवर्सों में लगभग 3 दिन तेज हो जाएगा, तो हमने 100 लीवर्सों में 3 लीवर्स कम करके 97 लीवर्स मान लिए, ये बात तो हमने मान ली। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती है कि भाई एक बात ये भी तो बताइए कि जो 3 लीप वर्ष कम किए गए वो लीप वर्ष कौन से कम किए गए, ठीक है दोस्तों, ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई 100 लीवर्सों में से 3 लीप वर्ष हटाए तो जो हटाए गए लीप वर्ष है वो कौन से है, तो देखिए दोस्तों हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आपका जो क्वेश्चन था, आपके माइंड में जो क्वेश्चन मार्क था, चलिए उसका सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। तो अभी अभी आपने देखा दोस्तों, अगर हम 20 वर्षों में 4 का भाग देते हैं तो हमारे पास में लीप वर्ष कितने आते हैं दोस्तों, 20 में 4 का भाग दोगे तो हमारे पास में लीप वर्ष होने चाहिए 5 लीप वर्ष, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर हम लीप वर्ष की पहचान कैसे करते हैं पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपने सुना होगा, आपने कहीं पे देखा होगा कि हम खुद भी जानते हैं कि लीप वर्ष पता करने का एक तरीका होता है, कोई भी वर्ष, ऐसा कोई सा भी वर्ष जिसके लास्ट के 2 डिजिट में, कोई से भी वर्ष जिसके लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग कंप्लीटली चला जाता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। तो देखिए उसी उसी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए हम देखते हैं कि कौन से लीप वर्ष होते हैं, कौन से लीप वर्ष नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे हम बात कर लेते हैं 2022 की ही बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये लीप वर्ष होगा नहीं होगा, तो मैंने क्या बताया दोस्तों, लास्ट के 2 डिजिट में, मतलब 22 में, जब आप 22 में 4 का भाग दोगे तो 4 का भाग कंप्लीटली नहीं जाएगा, जब कंप्लीटली नहीं जाएगा तो ये लीप वर्ष नहीं है, अगर ये लीप वर्ष नहीं है तो ये कौन सा वर्ष है दोस्तों, ये साधारण वर्ष है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा 2016, अब 2016 में लास्ट के 2 डिजिट क्या है बताइए दोस्तों, लास्ट के 2 डिजिट 16 है, 16 में अब आप 4 का भाग दोगे तो 4 4 16 कंप्लीटली भाग जाएगा, कंप्लीटली भाग जाएगा, तो ये कौन सा वर्ष है दोस्तों, ये लीप वर्ष है, ठीक है। अगेन हम एक और एग्जांपल लेते हैं, आगे एक और एग्जांपल में देखिए दोस्तों, जैसे मान लो कि दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा 1856, ठीक है, अब 1856 में लास्ट के 2 डिजिट हो गए 56, ठीक है, अब आप इसमें 56 में 4 का भाग दोगे तो 4 का भाग कंप्लीटली चला जाएगा, 56 में 4 का भाग दोगे तो 13 बार भाग चला जाएगा, 14 बार, सॉरी दोस्तों 14 बार भाग चला गया। अब ये 14 बार भाग चला गया, अगर भाग पूरी तरह से चला गया तो ये वाला वर्ष भी कौन सा होगा दोस्तों, लीप वर्ष ही होगा, ठीक है दोस्तों। एक दो एग्जाम्पल और देखिए दोस्तों, जैसे एक बात बताइए दोस्तों, हमने यहाँ पर लिखा 2017, उसके बाद में हमने लिखा यहाँ पे 1546, उसके बाद में हमने लिखा यहाँ पर 1900, 1900 के बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा 2020, ठीक है, उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर कितना लिखा 1800, 1800 के बाद में हमने यहाँ लिख दिया 1700, 1700 के बाद में चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कि हमने यहाँ लिख दिया 1944, ठीक है, अब इनमें कौन से लीप वर्ष है, कौन से लीप वर्ष नहीं है, उनकी पहचान करते हैं। तो लीप वर्ष के लिए मैंने क्या बताया था, कोई सा भी वर्ष हो, वर्ष के लास्ट के 2 डिजिट में, लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग कंप्लीटली चला जा रहा है, कंप्लीटली जा रहा है तो वो लीप वर्ष होगा, अगर 4 का भाग कंप्लीटली नहीं जा रहा है तो वो लीप वर्ष नहीं होगा दोस्तों, वो साधारण वर्ष होगा। जैसे हम बात करते हैं 2017 में, 2017 में 17 है,
17 में 4 का भाग कंप्लीटली नहीं जाता है। अब कंप्लीटली नहीं जाता है तो ये लीप वर्ष नहीं है। अब जो लीप वर्ष नहीं है मैं उनको क्रॉस कर देता हूं, ये लीप वर्ष नहीं है। अब ये लीप वर्ष नहीं है तो कौन सा वर्ष होगा दोस्तों, ये साधारण वर्ष होगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं 1546, 1546 में लास्ट के दो अंक दोस्तों कितने हैं, 46 46 है। 46 में अगर आप 4 का भाग दोगे, 46 में अगर आप 4 का भाग दोगे तो 4 का भाग कंप्लीटली नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो ये वाला वर्ष भी लीप वर्ष नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों 1900 को हम थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले 2020 की बात करते हैं। 2020 में दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर टोटल लास्ट के दो डिजिट कितने हैं, 20 हैं। 20 में अगर आप 4 का भाग देते हैं, 20 में 4 का भाग देते हैं तो 4 5 20 हो जाएगा, मतलब भाग कंप्लीटली चला जाएगा। अगर भाग कंप्लीटली चला जा रहा है तो ये वाला वर्ष कौन सा वर्ष है दोस्तों, लीप वर्ष है। जिसमें 4 का भाग चला जा रहा है वो लीप वर्ष हो गया। अब उसके बाद में चलिए 1944 को चेक करते हैं। तो 44 के लास्ट के दो डिजिट देखिए दोस्तों, लास्ट के दो डिजिट की बात करें, लास्ट के दो डिजिट में 4 का भाग दोगे तो 4 का भाग कंप्लीटली चला जा रहा है, 4 का भाग कंप्लीटली चला जा रहा है तो ये वाला वर्ष कौन सा हो गया, लीप वर्ष होगा। तो देखिए दोस्तों अभी मैंने फिलहाल 1900 को छोड़ रखा है, 1800 को और 1700 को, इनको मैंने छोड़ रखा है। देखिए दोस्तों अभी तक हमने 2017 की बात की, ये भी वर्ष था, 2022 ये भी वर्ष था, 2016 ये भी वर्ष था, 1856 ये भी वर्ष था। तो अब तक हमने जितने की बात की ये सारे वर्ष थे, लेकिन हम 1900 की बात करें, 1800 की बात करें या 1700 की बात करें, 1700 1800 1900 2000 अगर हम इनकी बात करें तो एक बात बताइए दोस्तों, ये क्या है, वर्ष नहीं है, इनको हम शताब्दी की कैटेगरी में रखते हैं। 1700 1800 1900 इनको हम शताब्दी की कैटेगरी में रखते हैं। और शताब्दी में अगर आपको ये पता करना हो कि ये साधारण शताब्दी है या लीप शताब्दी है तो दोस्तों हम कभी भी 4 का भाग नहीं देते हैं। शताब्दी वाले क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना, लीप शताब्दी होगी या साधारण शताब्दी होगी, इसका पता लगाने के लिए हम किसका भाग देते हैं, 400 का भाग देते हैं। 1900 में 400 का भाग नहीं जाता, नहीं जाता तो ये लीप वर्ष नहीं है, ये साधारण वर्ष है। 1800 की बात करें तो 1800 में भी 400 का भाग कंप्लीटली नहीं जाता, नहीं जाता तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा कि ये भी लीप वर्ष नहीं है। 1700 में 400 का भाग कंप्लीटली नहीं जाएगा तो ये वाला वर्ष भी लीप वर्ष नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तो मैंने आपको यहाँ पर क्या सिखाया, 5 मिनट का रिकेप करते मैंने आपको ये बताया दोस्तों कि कोई से भी वर्ष के बारे में अगर आपको यह जानना हो कि वो लीप वर्ष है या लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष का पता करने के लिए कोई भी वर्ष है तो वर्ष के लास्ट के दो डिजिट में हम 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग कंप्लीटली चला जा रहा है तो वो हो जाएगा लीप वर्ष, अगर 4 का भाग नहीं जा रहा है तो वो होगा साधारण वर्ष। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि अगर शताब्दी है, मैं वर्ष की बात नहीं कर रहा दोस्तों, शताब्दी है तो शताब्दी के अंदर हमें कभी भी 4 का भाग देख करके चेक नहीं करना कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, हम कभी भी चेक नहीं करेंगे, हम 400 का भाग देंगे। जैसे 1700 1800 1900 इनमें हम 400 का भाग देते हैं, तो हमने देखा कि 1900 में 4 का भाग नहीं जाता है तो ये लीप वर्ष नहीं है। इसी तरीके से 1800 में 400 का भाग नहीं जाता, ये भी लीप वर्ष नहीं है, और 1700 में भी 4 का भाग नहीं जाता, ये भी लीप वर्ष नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी, लेकिन अभी तक वो क्वेश्चन मार्क हमारे माइंड में बना हुआ है। कौन सा क्वेश्चन मार्क, आपने मैंने आपको बताया था कि 400 वर्षों में जब आप 4 का भाग देते हैं, 400 वर्षों में जब आप 4 का भाग देते हैं दोस्तों तो लीप वर्ष आने चाहिए 100, लेकिन मैंने बताया कि 3 लीप वर्ष कम हो जाते हैं, लीप वर्ष 97 आते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन था कि ये 3 लीप वर्ष कम हो गए, मान गए, लेकिन ये 3 लीप वर्ष कम कौन से हुए। ठीक है दोस्तों, तो उसी बात पर आने से पहले मुझे आपको ये सब कुछ बताना जरूरी था। ठीक है दोस्तों, आपको इतना पता लग चुका है कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है, शताब्दी है तो उसको किस तरह से डील करना है, इतनी बातें आपके समझ में आ चुकी। अब आपका ये वाला पॉइंट भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों मैं आपको सिखा देता हूं अगला पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, जैसे यहां पर हम एग्जांपल लेके चलते हैं, देखिए दोस्तों जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे यहां पर मैंने लिखा 1601 से 1700,
ठीक है दोस्तों, 1601 से लेकर के 1700 की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे कि सर 1601 से लेकर के 1700 अगर हम वर्ष की बात करेंगे तो टोटल कितने वर्ष हो गए दोस्तों? 100 वर्ष हो गए। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, तो आप 100 वर्षों में आप जानते हैं कि लीप और जो होगा वो हर 4 साल पे रिपीट होगा, तो 100 वर्षों में जब आप 4 का भाग दोगे तो आप कहेंगे कि सर 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे? 25 होंगे। नेक्स्ट अगर मैं आपसे ये कहूं कि जैसे मान लेते हैं कि 1701 से लेकर के 1800, ठीक है दोस्तों, 1701 से लेकर के 1800 अगेन आपसे पूछा जाए कितने वर्ष होंगे, तो आप कहेंगे कि सर 1701 से लेकर के 1800 टोटल 100 वर्ष हो गए। अगर मैं आपसे लीप वर्ष पूछूं तो आप कहेंगे कि सर 100 में 4 का भाग देंगे, और 100 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पे भी लीप वर्ष कितने बनने चाहिए? 25 ही बनने चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक एक चीज को स्लोली स्लोली पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, तभी चीजें आपके माइंड में कंप्लीटली अपनी जगह बना पाएगी, आपके सारे डाउट्स दूर होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में अगले नंबर पे जैसे हम बात करते हैं 1801 से 1900 की बात करते हैं दोस्तों, 1801 से लेकर के 1900 अगेन मेरा वही क्वेश्चन, कितने वर्ष हो गए? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे भी कोई नई बात तो नहीं हुई, यहाँ पे कितने लीप वर्ष हो गए? सॉरी 100 वर्ष हो गए। ठीक है, अब लीप वर्ष पता करना है कि लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, तो आप 100 में 4 का भाग दोगे और आप बताएंगे कि सर 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या होगी कितनी? 25। ठीक है, एक और देख लेते हैं दोस्तों, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर 1901 से लेकर के 2000, ठीक है, 1901 से लेकर के 2000, तो यहाँ पे भी कितने वर्ष हो गए दोस्तों? 100 वर्ष हो गए। और 100 वर्षों में पता करना हो कि भाई कितने लीप वर्ष होंगे, तो 4 का भाग देकर के आप बता देंगे कि सर कितने लीप वर्ष होंगे? 25 होंगे। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं दोस्तों, अगर हम इनका टोटल करते हैं तो आपको ये पता लग रहा है कि टोटल वर्ष कितने हो गए? 400 वर्ष हो गए। अगर हम इनका टोटल करते हैं तो आप कहेंगे कि सर 400 वर्षों में यहाँ पर 25 बार, ये 25 चार बार आ रहा है, तो कितने लीप वर्ष आ रहे हैं यहाँ पे? 400 वर्षों में 100 लीप वर्ष होने चाहिए। अब देखिए दोस्तों, आप एक बात बताइए, 1601 से लेकर के 1700 100 साल आ गए, आप 1601 को भी शामिल किया, 1700 को भी शामिल किया, तब जाकर के 100 लीप वर्ष हो गए। आपने इनमें 4 का भाग दिया, 4 का भाग देने से ये कितने लीप वर्ष आ गए? 25। लेकिन आप भूल गए दोस्तों, अभी हमने आपको बताया था कि अगर कोई शताब्दी होती है तो शताब्दी में हमें कभी भी 4 का भाग नहीं देना है, शताब्दी में हमें किसका भाग देना है? 400 का भाग देना है। तो हमने क्या मिस्टेक की, हमने 1700 में, एक बात बताइए, यहाँ पे 100 वर्षों के अंदर 1700 भी शामिल है, तो हमने 1700 में भी किसका भाग दे दिया? 4 का। लेकिन हमें 1700 में 4 का भाग नहीं देना था, हमें 1700 में किसका भाग देना था? 400 का भाग देना था। 1700 में 4 का भाग दिया, 4 का भाग चला गया, तो आपने 1700 को क्या मान लिया? लीवर्स मान लिया। लेकिन 1700 में आपको 4 का भाग थोड़ी देना था, 1700 में आपको 400 का भाग देना था, तो 1700 में 400 का भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो ये लीप वर्ष नहीं होगा, तो 1700 लीप वर्ष नहीं होगा, लेकिन हमने उसको 25 में लीप वर्ष मान लिया है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इस 1700 को कम करना पड़ेगा। तो देखिये दोस्तों, 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने हो गए? 24 हो गए। अगेन हमने ऐसा ही किया, 1701 से लेकर के 1800, 1701 से लेकर के 1800 कितने हो गए वर्ष? 100 वर्ष हो गए। इन 100 वर्षों के अंदर 1800 भी इंक्लूड है। अगर हमने 100 में 4 का भाग दिया तो 25 लीप वर्ष आ गए, लेकिन आपने फिर से वही गलती दोहरा दी है। वही गलती मतलब कौन सी गलती? तो यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पे 100 वर्षों में ये 1800 भी इंक्लूड है, 1800 में भी हमने 4 का भाग दिया, लेकिन 1800 में 4 का भाग नहीं देना था, हमें 1800 में किसका भाग देना था दोस्तों? 400 का भाग देना था। अगर 1800 में 400 का भाग देंगे तो ये लीप वर्ष तो होगा नहीं, तो लेकिन हमने इसको लीप वर्ष में शामिल कर लिया, तो आपको इसको भी हटाना पड़ेगा। एक लीप वर्ष आपका ये कम हो गया, कितने लीप वर्ष होंगे दोस्तों? 24। सेम आपको 1900 को भी हटाना पड़ेगा, एक ये कम हो जाएगा, यहाँ पे भी लीप वर्ष कितने हो गए दोस्तों? 24 हो गए। लेकिन 2000,
2000 के अंदर आपको ये पता है कि हमने 4 का भाग दिया और 4 का भाग देकर के उसको लीप वर्ष बना दिया। लेकिन आप जानते हैं कि 2000 भी तो शताब्दी है, शताब्दी में हमें 4 का भाग नहीं देना होता, हमें 400 का भाग देना होता है। और 2000 में हम 4 का भाग देंगे तो भी 4 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा तो ये लीप वर्ष है। अगर ये लीप वर्ष है तो उसको हम नहीं हटाएंगे। अब नहीं हटेगा तो यहाँ पर कितने हो गए दोस्तों, 24। और अगर हम इनको जोड़ते हैं, इनको जोड़ेंगे तो आपको ये पता है कि सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 25 में से 0 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये 25 होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम इनको ऐड करते हैं तो टोटल लीवर्स कितने होते हैं दोस्तों, 97 लीवर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। हर एक चीज को मैंने अपना बेस्ट देकर के समझाने की कोशिश की है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान से समझिए दोस्तों। हमने क्या किया, सबसे पहले आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन मार्क थे, जितने भी डाउट थे कि भाई लीप वर्ष क्यों आता है, साधारण वर्ष लीप वर्ष क्यों होते हैं, तो एक सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं, क्यों हम क्या करते हैं कि भाई लीप वर्ष दिन कम मानते हैं, ये सारे डाउट्स को हमने दूर करने की कोशिश की है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो आपने देखा कि मैंने बताया कि 400 सालों में, 400 सालों में अगर आप 4 का भाग दोगे तो 100 लीप वर्ष आने चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बताया था, अगर 100 वर्षों के अंदर हमारा कैलेंडर लगभग 3 दिन आगे हो जाता है तो हमने 3 लीप वर्ष कम कर दिए, हमारे पास में कितने लीप वर्ष रह गए, 97 लीप वर्ष रह गए। अब ये हमने एक बात बताई है कि क्वेश्चन हमारा था कि जो 3 लीप वर्ष हटाए वो कौन से हटाए, तो आप देख पा रहे हैं कि एक तो हमने कौन सा हटा दिया दोस्तों, 1700 को हटा दिया, एक हमने यहाँ पर क्या हटा दिया, 1800 को भी हमने हटा दिया, एक हमने कौन सा हटा दिया, 1900। तो हमने कौन कौन से वर्ष हटा दिया दोस्तों, 1700, 1800, 1900। मतलब आपको याद रखना है कि 400 वर्षों में 4 का भाग दोगे 100 लीप वर्ष आने चाहिए, लेकिन 3 लीप वर्ष कम होंगे। अब ये कम कौन से होंगे, ऐसी शताब्दियां जिनमें 400 का भाग कंप्लीटली नहीं जाता है, तो आपको उनको लीप वर्ष नहीं मानना है, उनको कौन सा वर्ष मानना है, साधारण वर्ष मानना है। तो आप समझ चुके, 3 लीप वर्ष कम होंगे, 3 लीप वर्ष कौन से, ऐसी शताब्दियां जिनमें 400 का भाग कंप्लीटली नहीं जाता है, ऐसी सारी शताब्दियां क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं तक ही रखते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसको शेयर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच दोस्तों।